नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके उपस्थित हुआ हूं यह कुंडली एक युवक की है आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए जन्म की तारीख है सत्ताईस दिसंबर उन्नीस और जन्म का समय दिन में ग्यारह बजकर के पांच मिनट जन्मस्थान जयपुर राजस्थान जन्मकाल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं मंगलवार के दिन इन्होंने जन्म लिया पौष मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आश्लेषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में ब्राह्मण वर्ण जल तत्व की राशि कर्क राशि चंद्रमा इस राशि के राशिपति होते हैं तो लग्न कुंभ राशि कर्क लग्नपति जाकर के जन्म कुंडली के लाभ भाव में लाभपति बनते हैं देव गुरु बृहस्पति जाकर के चतुर्थ में चतुर्थ पति बनते हैं शुक्र जाकर के दशम में शुक्र ही इस कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह माने गए हैं शुक्र जो कि जन्म कुंडली के दशम भाव में अठारह सात कला के साथ ज्येष्ठा नक्षत्र जो कि बुध का नक्षत्र है बुध के नक्षत्र में बैठे हुए हैं नवम पति बनकर के दशम में यहां देखा जाए तो केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है परंतु इस बात का सदैव ध्यान रखिएगा कि जन्म कुंडली के दसम भाव में शुक्र कोई विशेष कारकत्व उनको प्राप्त नहीं होता यहां पर इनको वैसा कोई बल प्राप्त नहीं होता है हालांकि ये सूत्र आपने हमेशा सुना है कि शुक्र जहां होते हैं उससे आगे वाले भाव को भी और पीछे वाले भाव को भी दोनों में ही वो बल प्रदाता बन जाते हैं दोनों में ही बल प्रदान करते हैं बाकी ग्रहों की अपेक्षा यह बल केवल शुक्र के पास ही है हालांकि शुक्र सूर्य से यदि आगे हों तो और ज्यादा अच्छा होता लेकिन शुक्र अगर सूर्य से पीछे है तब भी ठीक है चलेगा क्योंकि कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं तो दशम में होने से दिग्बल से सर्वथा विहीन हो जाते हैं तो ये कमजोर स्थिति उनकी हुई हालांकि यहां पर एक अच्छी स्थिति यह है कि देवगुरु बृहस्पति जो कि हैं तो वैसे मृत अवस्था में और अति शत्रु राशि में भी बैठे हुए हैं क्योंकि शुक्र की राशि में शुक्र के साथ तात्कालिक शत्रुता उनकी हो रही है पर फिर भी शुक्र गुरु का आमने सामने का दृष्टि संबंध बहुत बढ़िया माना गया है अब चूंकि गुरु के पास बल कम है पर फिर भी दिन का जन्म है और अगर आप काल पुरुष की कुंडली का निर्माण करें तो देव गुरु बृहस्पति को यहां भाव बल मिल रहा है क्यों क्योंकि कर्क राशि यहां पर होगी जहां पर वो ऊंच के समान होते हैं तो देव गुरु बृहस्पति यहां भाव बल प्राप्त कर रहे हैं और ऊपर से वो लाभेश बनकर के जाकर के कुंडली के लाभेश और धनेश बन करके कुंडली के चतुर्थ भाव से संबंध बना रहे हैं जो कि अत्यंत श्रेष्ठ और चतुर्थेश से दृष्टि संबंध बनाने के चलते भी जातक के जीवन काल में भूमि भवन वाहन इत्यादि सुखों को वो अवश्य ही देने वाले हैं अब जरा गौर करिए सीधे जन्म कुंडली में लग्न पर आइए इनकी राशि जो है और लग्न की स्थिति जरा देखिए वायु तत्वीय लग्न जल तत्वीय राशि ये आपस में सामंजस्य नहीं है लग्नेश और राशिश का आपस में मित्र न होना भी कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष की स्थिति को प्रदर्शित करता है लग्नगत राहु पर शनि की दृष्टि का होना हालांकि गुरु और शुक्र के केंद्र में होने के कारण लग्न दोनों शुभ ग्रहों से प्रभावित हो रहा है परंतु लग्नपति शनिदेव लग्न को देख रहे हैं और लग्न में राहु बैठे प्रिय दर्शकों वैसे तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो केंद्र को विष्णु की संज्ञा प्राप्त है और ज्योतिष तो शास्त्र के मर्मज्ञ क्या कहते हैं कि केंद्र में शुभ ग्रह से ज्यादा बेहतर पाप ग्रह अपना अच्छा प्रभाव देते हैं राहु के बारे में भी यही बात है यहाँ लग्नगत राहु जातक के बुद्धि को बड़ा ही तीव्र बनाएगा हालांकि वो राहु रा, लग्न में होकर के शनि की दृष्टि से दृष्ट है फलतः बेहतर करने के बावजूद जातक को चूंकि यहाँ किसी भी तरह के अगर हम कुंडली का फलादेश कर रहे हैं तो हमें हर तरह से चीजों को देखना होगा यहाँ सूर्य शनि की युति है ध्यान से सुनिए और समझिए जो कि इस बात की सूचना है कि जातक को जो यश मिलना चाहिए उसमें बाधा उपस्थित करेगा

केंद्र के स्वामी होकर के शुक्र केंद्र में ही बैठे हैं जिसे केंद्राधिपति दोष कहा जाएगा लेकिन चूंकि मैं हमेशा कहता रहा हूं कि केंद्राधिपति दोष उतना बड़ा दोष नहीं सिद्ध होगा अब तो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं कि शुक्र कमजोर हो जा रहे हैं कारण यह है कि शुक्र दशम में जाकर के बैठे हैं पर फिर भी गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने से बहुत हद तक उनके इस दोष में कमी आएगी और यह जो दृष्टि संबंध है वो अत्यंत श्रेष्ठ होगा राहु केतु का संबंध इस कुंडली में लग्न और सप्तम से होने के कारण और वैसे भी कुंभ लग्न की कुंडली है मैं सदैव कहा करता हूं कि बहुत सुखद दाम्पत्य की कल्पना तो हम नहीं कर सकते हालांकि यहां देखें तो सप्तम पति जाकर के लाभ भाव में बैठे जो कि इस बात की सूचना है कि जातक कहीं ना कहीं विवाहोपरांत विशेष रूप से धन देखेगा मंगल पर आइए जरासैन की कुंडली में मंगल जो कि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं मीन राशि में पराक्रम भाव के और कर्म भाव के स्वामी होकर के धन भाव से संबंधित हैं है तो ये अच्छा लेकिन एक समस्या है क्या वाणी राक्षस गण होने के कारण द्वितीय भाव में मंगल और ऐसे जातक की वाणी में कड़वाहट उत्पन्न करेंगे तो जातक कई बार ऐसी वाणी बोल बैठेगा दिमाग तेज है जब जैसा तब तैसा बोलने का प्रयत्न भी करता है बुद्धिमान तो है ही क्योंकि कुंभ लग्न का है लेकिन कई बार ऐसा कड़वा बोल बैठता है सत्य भी आप कह सकते हैं उसको ऐसा बोल बैठता है जिसके चलते लोग गाहे बगाहे शत्रु बनेंगे ही बनेंगे चंद्रमा स्वगृही है जन्म कुंडली के भाव में बैठे हैं गुरु के साथ तीसरे ग्यारहवें का संबंध है परंतु कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये चंद्रमा किसी भी ग्रह से दृष्ट नहीं है फलतः के मदरूम मान्य रहेगा और सष्ठ भाव में बैठे हैं तो ये रोग कारक स्थिति भी उत्पन्न करेंगे कफ जन्य रोग जीवन काल में शत्रु अच्छा चंद्रमा के बारे में तो आप सदैव जानते हैं मैंने बताया था कि चंद्र, जहां कर्क राशि हो और जहां चंद्रमा हो तो चंद्रमा कर्क राशि में ही है और कहां पर बैठे तो जन्म कुंडली के में तो सदैव चिंताग्रस्त रहेगा रोग रो को को लेकर लेकर के के चिंतित रहे रिपु को के, उस वो सदैव उसकी चिंता उसी भाव से संबंधित होगी तो वो हमेशा रहने वाली है आप ये सूत्र आजमा करके देख ही चुके हैं चलिए अब इनके कुछ प्रश्न है उन प्रश्नों की ओर आपको लेकर के चलता हूं मैं नौकरी कर रहा हूं पर मैं संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि सहकर्मियों की तुलना मुझे बढ़ोतरी नहीं मिली है उन्नति का उपाय बताएं और नौकरी करना लाभप्रद है या नहीं अभी बताएं आप कुंभलग्न के हैं आपको सबसे पहले यह जानकारी होनी चाहिए कि लग्न में कुंभ राशि को अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है आप नौकरी और व्यापार दोनों में ही अत्यंत सफल हो सकते हैं वर्तमान में सूर्य की दशा चल रही है जो कि आपके लिए मार्केश दशा कही जाएगी सूर्य इस कुंडली में होकर के जाकर के कुंडली के लाभ भाव में बैठे हैं और इसके बाद चंद्रमा की दशा की चंद्रमा इस कुंडली में सठेष बनकर के लाभ भाव में है सो आपको मेरी तरफ से जो राय है वो यही है कि आपको नौकरी में है तो नौकरी में ही रहनी चाहिए भूल भी नौकरी छोड़ने की गलती इत्यादि ना करें अभी अभी जिस सूत्र को मैंने सिद्ध किया कि जहां कर्क राशि हो और जहां चंद्रमा हो वहीं से संबंधित चीजें जा तक ज्यादा सोचता है तो यहां कर्क राशि और चंद्रमा दोनों के दोनों ष्ठ में बैठे हैं फलतः ये तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं हालांकि इनका तुलनात्मक अध्ययन गलत नहीं क्योंकि पूर्व में ही मैं कहा आया हूं क्योंकि लग्न पर शनि की दृष्टि है तो इनका हर चीज थोड़ा विलंबित तो होगा ही होगा लग्नगत राहु है तो इनको चाहत के बराबर जितनी इनकी क्षमता है उसके बराबर इनको नहीं मिलने वाला है देखिए साहब कुछ चीजें प्रकृति ने तय की होती हैं उस पर हमारा आपका किसी इंसान का वश नहीं होता प्रकृति ने आपके लिए भी यही तय कर रखा है संघर्ष अधिक जितनी क्षमता है आपके अंदर जितना गुण आपके पास है जो आपको मिलना चाहिए उसके लिए सदैव संघर्षशील दो बातें स्वीकार कर लीजिए आप रोकर या गाकर होगा वैसा ही लेकिन यह तय है हार मत मानिएगा क्यों क्योंकि आपकी कुंडली के लाभ भाव में सूर्य बैठे भले ही सूर्य शनि के साथ होने के चलते आपको वो मान सम्मान तो नहीं लेने देंगे लेकिन लाभ की स्थिति जरूर बनाएंगे ऑलरेडी देखा जाए तो आपकी कुंडली में धनपति जाकर के सुख भाव में बैठे भूमि भवन वाहन ये सभी सुख आपके पास है और होगा तो मेरी राय इतनी ही है कि आप इस बात को लेकर के मत सोचिए कि बाकियों की तुलना में आपका जो ग्रोथ है वो कमजोर है आप सिर्फ अपना देखें आप वैसे भी कुंभ लग्न के हैं कुंभ का अर्थ होता है घड़ा भारी बनी रही गंभीर गति थोड़ी धीमी रहेगी पर मिलेगा संतुष्ट और असंतुष्ट आप कर्क राशि के हैं निसंदेह है, यहां पर लग्न और राशि का संबंध नहीं बैठ रहा है सो आपकी असंतुष्टि के पीछे तो सबसे बड़ा हाथ आपके व्यक्तित्व तो में ही छुपा हुआ है क्योंकि लग्नेश और राशि का आपस में संबंध नहीं तो वे कहां से संतुष्टि आएगी पर मेरी राय है कि आप इस असंतुष्टि से भी ज्यादा क्या कर सकते हैं बहुत ज्यादा करेंगे अपने स्वास्थ्य को खराब करेंगे मानसिक अशांति से ग्रस्त होंगे के मध्रुम योग है बेवजह के रोग शरीर में पाल लेंगे मेरी राय सबसे बढ़िया यही है कि लाभप्रद स्थिति तो ऑलरेडी आपकी कुंडली में है सब कुछ ठीक है गति थोड़ी धीमी है पर मिल तो रहा ही है जरा सोच के देखिए अट्ठासी का आपका जन्म है छह साल से तो मार्केस में है आप छह साल से मार्केस में है अभी अभी ढाई साल के लिए शनि की ढैया में आ गए हैं आप ऊपर से फिर अभी चंद्रमा की भी दशा है तो सूर्य चंद्रमा मंगल इस कुंडली के कारक ग्रह नहीं है और उन ग्रहों की दशा में भी आप नौकरी कर रहे हैं सरवाइव कर रहे हैं बल्कि अभी एक लाइन और मैं जोड़ देता हूं कि बुध की दृष्टि पंचम पर पड़ रही है हालांकि चंद्रमा पीड़ित होने के चलते मैं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म, टर्म के लिए नहीं लॉन्ग टर्म के लिए आप शेयर मार्केट में भी निवेश करके पैसा कमाइए मेरी राय है असंतुष्टि से कुछ नहीं होने वाला और जो समय आपको दे रहा है जो प्रकृति से आपको प्रदत्त है वो ऑलरेडी बेस्ट है इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता मार्केट में इससे ज्यादा कि हम क्या उम्मीद करेंगे तो जो आपको मिल रहा है वो सबसे बेहतर मिल रहा है ज्यादा के चक्कर में जो आ रहा है वो भी जाएगा सो जहां है ठीक है नौकरी छोड़ने की गलती मत करिएगा व्यापार इत्यादि की तरफ अभी नहीं जाना कर सकते हैं बट अभी नहीं अभी समय बिल्कुल आपके पक्ष में नहीं सूर्य समाप्त हो रहे हैं चंद्रमा आ रहे हैं दो के जुलाई से दस साल अब ये तो भूल भी आपको अभी व्यापार की ओर दिमाग लगाना ही नहीं है जहां है वहीं बने रहिए अब आगे चलते हैं खुद का व्यवसाय करना चाहता हूं कुछ समझ नहीं आता क्या करूं रेस्टोरेंट और आर्टिफिशियल ज्वेलरी डेयरी उत्पाद कपड़े का बिल्डर किस फील्ड में करूं क्या व्यवसाय करना मेरे लाभप्रद रहेगा आप कुछ भी कर सकते हैं परंतु मैं पहले बता चुका हूं अभी मत करिए आपके पास दिमाग भी बहुत अच्छा है क्षमता भी आपके पास है शनि मंगल का केंद्र संबंध है आप बिल्डर भी बन सकते हैं आर्टिफिशियल आप शुक्र दशम भाव में बैठे हैं शुक्र आपकी कुंडली में दशम में होने के चलते शटबल में भी शुक्र के पास अच्छा खासा बल है गुरु के पास बल है इसलिए आपके मन में उत्पन्न हो रहा है रेस्टोरेंट की बात तो शुक्र से ही संबंधित होती है मेरी राय है अभी जो भी आपके मन में विचार उत्पन्न हो रहे हो उन पर अंकुश लगाइए देखिए हमेशा याद रखिए मार्केस का समय मार्केस का अर्थ मृत्यु हर समय नहीं होता हमेशा याद रखिए एक विद्यार्थी की शिक्षा यदि पूरी तरह से बाधित हो जाए तो यही उसके लिए मार्केस है नौकरी करने वाले की नौकरी छूट जाए यही उसके लिए मार्केस है दाम्पत्य जीवन बढ़िया चल रहा था दाम्पत्य जीवन टूट जाए यही मार्केस है अभी अभी सब कुछ ठीक ही चल रहा है शांति से चल ही रहा है अरे भाई महत्वाकांक्षा बहुत जरूरी है होनी ही चाहिए परंतु इस महत्वाकांक्षा के चक्कर में पता चले कि आप इधर न उधर कहीं के ना रहे यही तो मार्केस है यही तो वो चाहता है आपसे कराना हमेशा याद रखिए कि ग्रह खुद से कुछ नहीं कराते वो चंद्रमा को प्रेरित करते हैं और चंद्रमा आपका मन है वह मन प्रेरित होता है अभी आपको स्थिर रहने की आवश्यकता अभी अभी ढैया प्रवेश किया आपके जीवन काल में जब शांति से जीवन चल ही सकता है तो घबराने की क्या आवश्यकता तो धैर्य और पेशेंस जितना हो सके पेशेंस भविष्य में अच्छे स्वास्थ्य एवं परेशानियों से बचने का उपाय जरूर मैं आपको बताता हूं और दान सबके साथ अच्छा व्यवहार सदव्यवहार सदव्यवहार करिए सबके साथ अच्छा व्यवहार रहे यही सबसे ज्यादा जरूरी है और रही बात स्वास्थ्य की तो जन्य रोग की संभावना है मानसिक अशांति की संभावना है तो स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है विशेष स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं शिव जी की आराधना करिए सूर्य शनि की युति है पिता अगर आप हैं आपके हैं तो उनका सम्मान करिए हनुमान जी की आराधना करिए गणेश जी की आराधना करिए तो इससे आपकी परेशानी दूर होगी पत्नी से क्लेश रहता है माता पिता से भी कुछ मतभेद रहता है और घर गृहस्थी में प्रेम शांति और मधुरता के उपाय बताएं देखिए दाम्पत्य जीवन आपका कुंभ लग्न है कुंभ सिंह कर्क मकर इन सब के बारे में मैं कहा करता हूं कि इनको जो दाम्पत्य प्राप्त है वो अति उत्तम कोटि का दाम्पत्य प्राप्त नहीं है ये जो दाम्पत्य प्राप्त है इसमें कमोबेस मतभेद की स्थिति रहती है तो दाम्पत्य जीवन में कमोबेस मतभेद की स्थिति तो रहेगी इसको मत भूलिए आपकी भी वाणी में कड़वाहट कल, कल, में बता चुका हूं और कमोबेश आपकी पत्नी के भी स्वभाव की चर्चा वही है सिंह राशि है सप्तम भाव में तो स्वभाव में उनके भी कहीं ना कहीं मतभेद गुस्सेल स्वभाव तो उनका होगा ही क्रोध तो उनके अंदर होगा ही होगा तो आप दोनों के स्वभाव में वैसी स्थिति है तो मतभेद तो रहेगा अब इसको लेकर के आपको चलना है रही बात माता पिता तो सूर्य के साथ शनि है पिता के साथ संबंधों को कमजोर कर देते हैं चंद्रमा है स्वगृह जाकर के कुंडली के ष्ठ भाव में बैठा है तो माता के साथ भी मैं किसी विशेष अच्छे संबंध की चर्चा तो नहीं ही करूंगा रही बात घर गृहस्थी प्रेम शांति और मधुरता देखिए बनाने की आवश्यकता है ये बात आप भूलिए मत आपके लग्न में ही राहु बैठे हैं जो जीवन में कभी भी शांति और मधुरता आने नहीं देंगे एक दूसरा द्वितीय में मंगल बैठे हैं जो कहीं ना कहीं आपकी वाणी की ही कड़वाहट में औरों को क्या दोष दूं मैं किसी को नहीं जानता मैं आपकी कुंडली देख रहा हूं आपको जानता हूं राक्षस गण के हैं द्वितीय में मंगल बैठे हैं वाणी की कड़वाहट से संभव है कि आप खुद ही गृह कलह का कारण उत्पन्न कर देते हो गृह कलह करते हो तो मैं तो आप ही को फिलहाल दोष दूंगा क्योंकि अभी भी आप सूर्य की दशा से ही बाहर आ रहे हैं तो मेरी राय यही है कि आपके अंदर चूंकि आप कर्क राशि के हैं तो आपके अंदर एक पक्ष भावुकता वाला भी है उसी को साथ लेकर के चलिए संबंध अध हो, अच्छा होगा अब चूंकि मार्केस के समय में परेशानियां तो आती ही आती हैं और अभी और ढाई साल परेशानी आपको देखना है तो जहां भी मैं देख रहा हूं घर गृहस्थी और प्रेम शांति की जो बात आप कर रहे हैं वो आपको बनाना होगा मैं इतना तो तय ही जानता हूं कि आपने अपने जीवन काल में पैसा अच्छा मांगा है लेकिन वो सुख और शांति जो चाहिए आपको वो आपने मांगी नहीं है एक अच्छी बात ये है कि देवगुरु चतुर्थ में बैठे हैं शुक्र की दृष्टि से दृष्ट हो रहा है चतुर्थ यानी से अपने घर को देख रहे हैं भूमि भवन वाहन है और इसका सुख आपको प्राप्त है रही बात सुख और शांति भी कहीं ना कहीं ले ही आएंगे आप अपने जीवन काल में अब जब इस तरह का समय देख रहे उसमें सब कुछ चल रहा है तो निकल ही जाएगा आर्थिक उन्नति के उपाय आपको जानने हैं और आजीवन कौन सा रत्न किस धातु में धारण करें आर्थिक उन्नति के लिए कुछ नहीं करना अभी भी भी मैंने कहा शेयर मार्केट में एक निवेश सोच लीजिए बाकी आपकी कुंडली में लाभ भाव में सूर्य बैठे हैं पैसे तो आते ही रहेंगे मैं फिर दोहरा रहा हूं कि आप अभी मार्केश के समय में हैं और मार्केश के काल में अगर आपके साथ ऐसी स्थिति है तो आगे तो रहना ही रहना है ठीक तो धन को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं धन का जीवन काल में आगमन होगा बाकी रही बात कौन सा रत्न और किस धातु में तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं शुक्र या मंगल के साथ तात्कालिक शत्रुता में है तो फलता आपकी कुंडली में शुक्र जो कि सर्वाधिक जो कारक रहे उनका रत्न नहीं बनेगा बुद्ध की यदि बात करें तो बुद्ध भी गुरु के साथ तात्कालिक शत्रुता में है याद रखिए रत्न धारण करने के समय में ग्रह की स्थिति ग्रह की अवस्था और ग्रह कहां बैठा इन सभी बातों को देखना अत्यंत आवश्यक है बुद्ध भी अगर देखा जाए तो बुद्ध का रत्न अगर बनता है क्योंकि वो पंचमेश बनते हैं पर वो बुद्ध भी तात्कालिक शत्रुता में है तो मेरे हिसाब से तो आपको मैं किसी भी रत्न की सलाह नहीं दे रहा हूं आप रत्न धारण ना करें आप बहुत इच्छा रखते हैं तो एक चांदी का छल्ला पहन सकते हैं बाएं दाहिने हाथ की कनिष्ठा उंगली में या अंगूठे में आप बस इतना कर लीजिए मैं अच्छा कमाता हूं पर सेविंग नहीं हो पाती और मेरा भविष्य कैसा रहेगा आपने अपनी ही सारी बातें खुद ही कर दी मैं अच्छा कमाता हूं बिल्कुल आप अच्छा कमाते होंगे बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस कुंडली में लाभ भाव में तीन तीन ग्रह बैठे हैं और जहां सूर्य बैठे हैं वहां लाभ के लिए मुझे क्या सोचना वहां लाभ की स्थिति तो अच्छी है ही है तो लाभ के लिए मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है लाभ भाव में सूर्य बैठे हैं जो कि बहुत अच्छी स्थिति में है और लाभ को लेकर के मुझे कहीं कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रही है तो आजीवन लाभ के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं बाकी भविष्य आपका बहुत बढ़िया है यह समय ठीक नहीं चल रहा है आप जिस समय जिस काल से गुजर रहे हैं यह काल आपके पक्ष में ही नहीं है यूं सोच करके देखिए कि जो समय आपके जीवन काल में पूरी तरह से आपके विपक्ष में चल रहा हो उस समय में आप बेहतर सर्वाइव कर रहे हैं तो और बेहतर समय इससे क्या हो सकता है तो मैं समझता हूं सब ठीक है भविष्य ठीक है कुंडली में ग्रह स्थितियां भी मेरी में, नजर में ठीक ही है संतान की अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए दान धर्म और उपाय आत्मा जायते थी पुत्र आपकी आत्मा ही आपकी संतति है अब जरा सोच के देखिए कि आप कैसे हैं देखिए आत्मा तो सदैव से निष्पाप निष्कलंक ही है परंतु हम अपने कर्मों के अनुरूप एक तो शरीर पाते हैं और उस शरीर में हमें एक परिवार मिलता है उस परिवार के साथ साथ हमें एक ज्ञान और संस्कार मिलता है ये सब हमारे कर्मों के अनुरूप हमें प्राप्त होते हैं अब जैसे आप ब्राह्मण वर्ण के हैं यहां ध्यान रखिएगा ज्योतिष वर्ण जाति की जो बात रखता है वो वर्ण के रूप में कहता है तो आपके अंदर एक सदविवेकी व्यक्तित्व तो है एक ज्ञानी व्यक्तित्व तो है एक चिंतन करने वाला व्यक्तित्व तो है आपके भीतर एक आपका जो व्यक्तित्व तो है वो ऐसा ही है जो सदैव अच्छा सोचता है सबके लिए अच्छा सोचता है भले वो प्रकट न कर पाता हो बोल ना पाता हो पर सोचता अच्छा है तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपकी संतति के विकास के लिए आपको कुछ दूसरा नहीं करना सही व्यवहार धर्म धर्म क्या है पूजा पाठ नहीं धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं शास्त्रियोचित मर्यादित जो कर्म हमें बताए गए हैं उन्हीं कर्मों का हम सावधानी पूर्वक जब पालन करते हैं वही धर्म है धर्म का पालन करिए पिता का सम्मान करिए अब आपका आपके पिता के साथ मतभेद हो रहा है ये कोई बुराई है नहीं कोई बुराई नहीं इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि जनरेशन गैप है अब जहां से आप खड़े होकर देख रहे हैं और जहां से आपके पिता खड़े होकर देख रहे हैं यह एक मतभेद की स्थिति आजीवन रहेगी इसमें बुराई कोई नहीं है और मैं हमेशा कहा करता हूं कि मतभेद में तो कोई भी बुराई नहीं है क्योंकि जहां दो मत होंगे वहां भेद स्वाभाविक है बुराई कहां है अपमान करने में आप अपनी बात रखना चाहते हैं बड़े प्रेम से रखिए पर अपमान मत करिए क्योंकि समाज यशमाचे न चयदा जैसा जिसके साथ जितनी मात्रा में जब जैसा करते हैं हमें उतनी ही मात्रा में प्रकृति प्रकृति द्वारा रिटर्न किया जाता है लौटाया जाता है तो जो अभी आप करेंगे फिर आने वाली संतति आपके साथ वही करेगी संतान भाव में बैठे हैं कोई ग्रह आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं राहु की दृष्टि पड़ रही है साथ ही साथ बुध सूर्य और शनि इन तीन ग्रहों की और चार ग्रहों की दृष्टि आपके संतान भाव पर है हालांकि संतान संतान भाव को देख रहे हैं सॉरी मंगल की भी दृष्टि संतान भाव पर है तो संतानें संतान भाव को देख रहे हैं परंतु राहु, शनि सूर्य मंगल जिसमें से विशेष रूप से तीन तीन ये जो विच्छेदात्मक ग्रह संतान भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं ये संतान को लेकर के पीड़ा और कष्ट की स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं वाणी क्रोध इस पर नियंत्रण रखिए क्योंकि हम जो करते हैं वो सब आगे चल करके कर ठीक हमारे सामने वैसे ही उतरता है वाणी पर नियंत्रण बहुत जरूरी है माता पिता उनका विशेष रूप से सम्मान करिए और उपाय कोई विशेष उपाय नहीं करने की आवश्यकता है एक तो आपको शनि की ढैया लग गई है हनुमान जी की आराधना करिए हनुमान जी के मंदिर में जाइए उनका दर्शन करिए तिल तेल का दिया हनुमान जी के सम्मुख जलाइए प्रत्येक सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाकर के शिव जी के ऊपर दूध जल और काला तिल मिश्रण करके एक में चढ़ाइए के मद्रुम योग है तो उसकी शांति करा लीजिए मैंने एक उपाय बताया था कि रात्रि में नौ बजे जाकर के शिव मंदिर में बैठ करके विशेष करके प्रदोष के दिन अगर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया जाए तो इससे केमद्रुम योग की शांति हो जाती है तो ये उपाय कर लीजिए लाभ आपके जीवन काल में आजीवन बना रहने वाला है सुलाभ को लेकर के चिंता नहीं है गणेश जी की विशेष रूप से आराधना करिए गणेश जी की अत्यधिक आराधना आप करिए जितना हो सके अधिक से अधिक गणेश जी की आराधना से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे संतान पक्ष से भी संबंधित जो समस्या है वो दूर होगी वाणी में मिठास आएगा संबंधों में मधुरता आएगी स्थिति हर तरह से बढ़िया होने वाली है तो कुल मिलाकर के जितनी भी परेशानियां हैं वो गणेश जी की पूजा से ठीक हो जाएगी शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा दीजिए गाय को कबूतरों को दाना दीजिए तो इससे भी शुक्र जन्य जो भी पीड़ा परेशानी है उससे आपको शुक्र आपका और बलि हो जाएगा तो सभी उपाय आप कर लीजिए बस नौकरी में बने रहिए सब कुछ ठीक होगा तो प्रिय दर्शकों ये थी एक युवक की जन्म कुंडली आप इस जन्म कुंडली के संबंध में यदि कुछ कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है कमेंट में ये जरूर पढ़ेंगे उसको आज के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार